नमस्कार, मैं विजय सिंह अरसोली। आप देख रहे हैं कि मैं कहां पर बैठा हूं और मेरे साथ आज मेरे नए दोस्त हैं। ये शेर सिंह जी मीणा है कोटा से और ये राजीव जी यादव है मेरे गांव के पास से। और मैं आपको बता देता हूं कि आज हम जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। और किसके लिए जा रहे हैं ये तो मैं भी बता देता हूँ। हमारी बीएड एग्जाम चल रही है वहां पे, लेकिन अब बीएड एग्जाम तो चलो एक हम साइड में करते हैं एक बार। और मैं खुद जम्मू पहली बार जा रहा हूँ और शायद आप भी दोनों पहली बार ही जा रहे हैं। तो एक महीने हम वहां पे रुकेंगे, 25 तारीख से हमारी एग्जाम है और अगले 25 तक हम वहां रुकेंगे। तो आप जानते हैं एक महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो एक महीने में जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और वहां जो जो भी हम मतलब बीच बीच में मैं दिखा सकता हूँ या डेली जो लाइफ होगी उसको मैं दिखा सकता हूँ, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप हाईवे के मजे लो। ये हमारी बस का स्ट्रक्चर, ये देखो शेर सिंह मीणा का नूरानी चेहरा क्योंकि ये एसी की वजह से हो गया है नूरानी। चलो हम आगे मिलते हैं, थोड़ा बढ़िया से अच्छे से सीन आते हैं तब मिलेंगे वहां पे। Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guys like the most. रिकॉर्ड राग वो बहुत जरूरी है। श्रीनगर और मैं विजय सिंह अरसोली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम श्रीनगर पहुँच गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ यहाँ की। हम 22 तारीख को 3:30 बजे जयपुर से निकले थे, 21 को सॉरी, और 22 को हम
सुबह जम्मू पहुंचे, उसके बाद में वहां से बस चेंज किया, दूसरी बस में आए, शाम को हम करीबन 10 बजे पहुंचे। ये हमारा होटल रूम है और मेरे साथ में आप पहले मिल चुके हैं राजेश जी से, देखो राजेश जी बाल संवार है, और ये हमारे न्यू मेंबर हैं मिस्टर कौशल अग्रवाल। देखो रूम ऐसा है, मतलब ज्यादा ठीक तो नहीं है, मतलब कोई 5-स्टार होटल नहीं है, क्योंकि हम खुद है ना एग्जाम दे रहे हैं, तो टूर क्या नाम घूमने के पैसे पे तो आए नहीं है, और जैसा है उसके अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने के लिए हमको रहना है इसके अंदर, सारा सब कुछ यही है। और तो इसके अंदर है ना इस टाइप का बेड है, सामने टीवी वगैरह लगा रखा है, ये जो नॉर्मल हर रूम में होता है होटल के अंदर, 1-स्टार होटल है, और ये इस टाइप का वॉशरूम है, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज हमको रहना है जिस हिसाब से। आज हम जो भी क्या नाम आसपास के, कोशिश है हमारी कि आज हम अगर आसपास के जो भी विजिटेड पैलेस हैं श्रीनगर के वो दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि टुलिप गार्डन है, डल लेक है, अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज 2 या 3 दिन के बाद में जो भी हम देख पाएंगे, साथ में जो आसपास के जैसे पुलवामा है या फिर गुलमर्ग है, जो भी हिल स्टेशन है वो भी दिखाएंगे। और ये जो ब्लॉग है ये हमारा कोई मैनुअल ब्लॉग नहीं था एक्चुअली, पर अब जैसा हम एग्जाम, मैंने बताया पहले कि हम बीएड की एग्जाम देने आए हैं, तो फिर ठीक है, एक महीने का जो भी रूटीन है हम आपको अप टू डेट देते रहेंगे, और जैसा भी है आपका ओपिनियन है वो हमारे आपके कमेंट में है, कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए प्लीज, ठीक है। तो जो भी आपकी नई जो आपका क्या नाम कमेंट आएगा उसके बेसिस पे हम जो भी सुधारने की कोशिश करेंगे वो सुधारेंगे, और कोई गलती है तो आप जरूर बताइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। बाहर का थोड़ा सा मैं सीन दिखा देता हूँ आपको, ये रूम वगैरह है, और बाहर से कुछ इस टाइप का है। आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में हम दिसंबर जैसा फील कर रहे हैं, ये तो हमारी होटल का नाम है होटल स्काई, नाम भी भूल गया हूं मैं, क्या हुआ? अरे चार नहीं हो रहा है जिसमें। चार तो लाइट ही नहीं आ रही ना, लाइट ये जनरेटर, ये तो वो उससे चल रहा है जनरेटर इन्वर्टर से, तो उससे लाइट तो आपको चार तो एक बार मैं रूम दोबारा दिखा देता हूँ। हाँ इसमें नहीं चल रहा, नहीं किसी में नहीं चल रहा। और ये मिस्टर कौशल और मिस्टर राजेश पता नहीं क्या कुछ करने में लग रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फोकस आ रहा है, ये चलो ठीक है हम बिठाते हैं जोगाड़। नमस्कार, मैं हूँ विजय सिंह गरसोली और आप देख रहे हैं नोमेड विजन श्रीनगर से। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आपके सामने एक बतख यानी डक का एक जोड़ा आपको नजर आ रहा होगा, हालांकि पानी साफ सुथरा नहीं है, और ये मैं आपको ये प्लांट दिखा रहा हूँ। ये पहले मैं आपको बता दूं, इस गार्डन का नाम चिनार बाग है जो कि श्रीनगर के सेंटर में है, और चिनार बाग इसलिए रखा गया कि जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, इस प्लांट को मतलब इस ट्री को चिनार कहते हैं, इसलिए इसका गार्डन का नाम चिनार है। और ये हमारे साथ में सहयोगी हैं अग्रवाल साहब और यादव साहब। यादव साहब अपनी मस्ती में है, यादव साहब देख रहे हैं कि ये बत्तख है मुर्गी है। और यहाँ पे देखो, ये देखो ब्रिज बने हुए हैं, ये ब्रिज लकड़ी के हैं, आप जानते हैं, क्योंकि इधर ये पता नहीं किस टाइप का वेजिटेशन है, हम जानते भी नहीं है, हमारे लिए तीनों के लिए श्रीनगर नया है। और ठीक है, जैसा देख रहा है हम दिखा रहे हैं आपको, ऊपर चलेगा। नमस्कार, मैं विजय सिंह गरसोली, और आपने थोड़ा बहुत देखा कश्मीर के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ हल्की सी स्टोरी, कि जितना हमने बनाया वो थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया। एक महीने हम कश्मीर में रुकेंगे, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ हम घूमने जाएंगे वहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं अभी होटल रूम में हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इस टाइप का मेरा रूम है, ये हल्का सा छोटा सा टीवी लग रहा है, ये वॉशरूम है इधर, और
थोड़ा सा मैं आपको ऊपर का व्यू भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का ऊपर का व्यू है। हमारी होटल का नाम है स्काई लार्क और यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड बाय जे एंड के टूरिज्म। थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे ये खेवर हॉस्पिटल है कोई, नीचे देख पा रहे होंगे हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ उतना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद होटल रूम में होटल में हूँ। तो सामने आपको एक फाड़ नज़र आ रहा होगा, इस पे इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ की पोस्ट बनी हुई है। और आपको इधर एक और फाड़ नज़र आ रहा होगा, थोड़ा दूर होगा मेरे हिसाब से, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई आइडिया नहीं है। ये देखो, इसको हरी पर्वत बोलते हैं। 1590 में अकबर ने इसको बिल्ड करवाया था। तो इसके ऊपर भी जाएंगे, इसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा आप एंजॉय कीजिए हमारे वीडियोस को, कोशिश करेंगे कि हम इसमें हमारी क्वालिटी को सुधारने की हम कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं आपको एक नया एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि देखो, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में अप्रैल के महीने में गर्मी पड़ती है। और हमने गर्मी इस अप्रैल के महीने में अभी स्वेटर और जैकेट वगैरह पहन रखे हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब सुबह नहाने के टाइम नॉर्मली हम गर्मियों में ठंडा पानी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि सर्दी में गर्म पानी की नीड रहती है, लेकिन ये मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस है पूरी लाइफ में कि अप्रैल के महीने में जहाँ हम गर्मियों के अंदर ठंडे पानी से नहाते हैं, वहाँ आज यहाँ पर अप्रैल के महीने में गर्म पानी से नहा रहे हैं। हालांकि ये एक क्लाइमेटिक फैक्टर है, पर आप जानते ही हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमने जो एफर्ट्स लगाया कि आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितना भी आपका जो सपोर्ट है वो बना रही है, और सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि आपकी मर्जी चलेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए नोमैड विजय के साथ। और एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा वीडियो देखा, आपका अपना कीमती समय निकाल कर आपने हमारे वीडियो को विजिट किया, वॉच किया, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spitting out, call it word of mouth.